नमस्कार, समाचार टुडे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आपका अपना खास कार्यक्रम सीधा सवाल लेकर। सीधा सवाल में हम जानने की कोशिश करते हैं सीधे सीधे सवालों के जवाब। और आज सीधा सवाल में मुद्दा है कि आखिरकार जो चुनावी मैनिफेस्टो राजनीतिक दलों द्वारा जारी किया जाता है कि उसे पूरा किया जाता है, क्या वाकई में अगला कार्यकाल आने से पहले उस चुनावी मैनिफेस्टो को पूरा कर लिया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि अगली बार फिर एक और लॉलीपॉप लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने आती हैं? अगर हम गौर करें, आंकड़ों की बात करें, तो आज तक चुनावी मैनिफेस्टो बहुत सारी पार्टियों के पूरे नहीं हुए। जनता को चुनाव के वक्त में मैनिफेस्टो जारी कर सिर्फ लुभाने की कोशिश की गई और वोट बटोरने की कोशिश की गई। वो चुनाव जीतने के बाद, विधानसभा पहुंचने के बाद, संसद पहुंचने के बाद उन तमाम वादों पर ध्यान नहीं दिया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज करेंगे सीधा सवाल में चर्चा। मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। आज सीधा सवाल में बात करेंगे चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर। हर बार चुनाव के वक्त राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनता को लुभाने के लिए चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया जाता है। बड़े बड़े वादों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उस मैनिफेस्टो को कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। राजनीतिक दल भूल जाते हैं कि उन्होंने जनता से कुछ वादे किए थे, उनको भी पूरा करना है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, कांग्रेस से लेकर बीजेपी और दिल्ली को बड़े बड़े सपने दिखाने वाले केजरीवाल ने भी चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर जनता को धोखा दिया। दिल्ली को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो कुछ भी नज़र नहीं आया। सवाल है कि आखिर क्या होगा ऐसे राजनीतिक दलों का और इन पर कार्रवाई करेगा कौन? मतदाताओं के लिए चांद तारे तोड़ लाने के ऐसे वादों की जाँच अब चुनाव आयोग भी सख्ती से करेगा। अगर किसी राजनीतिक दल ने चुनाव के समय ऐसे वादे किए तो उन्हें चुनाव आयोग के पास स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट जमा कराना होगा। अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव जीत लेने के बाद इन वादों को चुनावी जुमला बताकर लागू नहीं करेगा तो चुनाव आयोग उस पार्टी पर सख्त कार्रवाई करेगा। इसके तहत राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह को भी रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 2017 में उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो की जांच भी कराएगा। चुनाव आयोग ने फैसला किया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि मैनिफेस्टो में केवल तार्किक वादे ही किए जाएं। साथ ही ये भी जानकारी दी जाए कि इन वादों को पूरा कैसे किया जाएगा और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। मतदाताओं से उन्हीं वादों के आधार पर वोट मांगने चाहिए जो पूरे किए जा सकें। आपको बता देंगे, पंजाब में चुनाव के दौरान शिरोमणि अकाली दल ने 12वीं कक्षा के छात्रों को लैपटॉप देने का वादा किया था, लेकिन बाद में सरकार इससे मुकर गई। पार्टी ने कहा कि 1.25 लाख करोड़ के कर्जे के कारण इन वादों को पूरा नहीं किया जा सकता। चुनावी वादों के पूरा नहीं किए जाने पर मतदाताओं में नेताओं को लेकर अविश्वास का माहौल पैदा हो रहा है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। चुनावी घोषणा पत्र सिर्फ एक घोषणा पत्र ही न रह जाए, इसी मुद्दे पर आज होगी सीधा सवाल में बहस। तमाम राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो को लेकर करेंगे चर्चा और निकालेंगे समाधान। स्पेशल डेस्क, समाचार टुडे।